सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कम से कम मैचों में रैंक पुश कैसे किया जाए, एस मास्टर कैसे पुश जाए। कौन से बंदों को एस मास्टर का सिर्फ टाइटल चाहिए होता है, रैंक पुश के लिए सिर्फ टाइटल के लिए रैंक पुश करते होते हैं, और कुछ लोग कॉन्करर जाना होता है। तो चलो हम बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो में, आज एस मास्टर की बात करेंगे कि कम से कम मैचों में एस मास्टर कैसे पहुंचा जाए। गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर वन, आपके पास होनी चाहिए अच्छी स्क्वाड। क्या होता है, जैसे कि आप मिनिमम 90 मैचेस में आराम से एस मास्टर पहुंच सकते हो। मैं खुद पहुंचाऊँ इस सीजन में। गाइज सबसे पहले आपके पास अच्छी स्क्वाड होनी चाहिए। आपके स्क्वाड में अच्छे से अच्छे दो असोल्टर तो होने ही चाहिए जो हमेशा लास्ट में सर्वाइव कर ही जाते हैं। अगर आप मर जाते हो और आपके साथ जो भी बंदा सर्वाइव कर जाता है वो अच्छा असोल्टर कह रहा था लास्ट में, जिनकी केडी 3 या 4 की होती है। तो आपके स्क्वाड में दो अच्छे असोल्टर होने ही चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, स्क्वाड परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो बंदे आप दोस्त के साथ खेल रहे हो और दो रैंडम आए, ऐसे नहीं होगा पुश। आपको 4 बंदे अच्छे से कम्युनिकेशन करके आप पुश कर सकते हो, तभी मिनिमम मैचों में आप एस मास्टर पहुंच सकते हो। पॉइंट नंबर 2, बंदे क्या होता है कि जैसे क्राउन तक वो खेल रहे हैं एग्रेसिव, जब दो बंदे क्राउन फर्स्ट या एस तक पहुंचने पर एग्रेसिव खेलते हैं, एस पे आने पर अब माइनस होगी, बहुत ज्यादा माइनस, और ड्रॉप ले लिया तो ज्यादा माइनस होगी, मर गए। तो भाई ये डरना नहीं है। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो और आप दूर दूर जा रहे हो, मतलब लेन पास जा रहा है मिलिट्री में और जा रहे हो जार की गाड़ी लेके, तो भाई आप नहीं खेल। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो एग्रेसिव ही खेलो, पैसिव खेलने की कोशिश मत करो। और आप पैसिव प्लेयर हो तो एग्रेसिव ज़्यादा मत खेलने की कोशिश करो, आराम से खेलो जैसे खेल सकते हो। यानी कि आप राउंड फर्स्ट हो एस तक पहुंचे हो तो अपना गेमिंग स्टाइल चेंज मत करो। अग्रेसिव हो तो एग्रेसिव ही खेलो, पैसिव हो तो पैसिव ही खेलो। चेंज करोगे तो आपका गेम प्ले बिल्कुल बिगड़ जाएगा, माइनस पर माइनस होती रहेगी। जितना माइनस के लिए आप सोचोगे उतनी ज़्यादा माइनस होगी। जैसा खेल रहे हो वैसा चलते रहने दो, ऐसा मत सोचो कि अरे यार एस पे आ गए तो ज़्यादा माइनस होगी, अब अच्छे बंदे आएंगे। भाई सभी वही बंदे आते हैं, तो नॉर्मली जैसा अपना नेचुरल गेम प्ले है वही खेला करो। पॉइंट नंबर 3, जो मोड दिया हुआ है, जो मोड आया है अभी, उसे अच्छे से यूज़ करना सीखो, उसका एनालाइज करो कि कैसे इसे अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अभी की बात करें, अभी स्पाइडरमैन मोड चल रहा है, तो गाइस अब इसमें क्या होता है कि अब रिकॉल करने के लिए एक बंदा तो चाहिए, तो क्या होता है बहुत से बंदे एक ही जगह घुस जाते हैं सारे के सारे और सबके सब मर जाते हैं और रिकॉल भी नहीं कर पाते। तो थोड़ा डिस्टेंस में खेलो, 3 बंदे थोड़ा पास पास में रहो, एक थोड़ा डिस्टेंस में, ताकि पता चले कि अगर 2 बंदे नॉक हो चुके हैं तीसरा बंदा कॉल कह सके कि तुम निकल जाओ रिकॉल करने के लिए। यूज़ करो अच्छे से, मोड यूज़ करना सीखो, कम्युनिकेशन सही रखो, गेम प्ले थोड़ा गेम सेंस अच्छा करने की कोशिश करो। तो जैसे ही 2 नॉक हुआ है तो भाई तीसरे बंदे को निकल ही जाना है, अच्छे से यूज करना सीखो मोड को। पॉइंट नंबर 4, केडी। भाई बहुत ही बंदे केडी के चक्कर में माइनस करवाते रहते हैं, भाई केडी ध्यान रखो, ऐसी केडी ज्यादा जरूरी नहीं हो। तो भाई गेम सेंस अच्छा करो, केडी बनाने के चक्कर में मतलब केडी बनाने के चक्कर में माइनस होती रहेगी, एस मास्टर तो पहुंच ही नहीं पाओगे। बहुत से बंदे 300-300 मैच खेल लेते हैं फिर भी क्राउन फर्स्ट और एस पे ही पहुंचे रहते हैं, एस मास्टर पहुंच भी नहीं पाते। अच्छे से खेलना सीखो, लास्ट तक टॉप 10 में आने का ट्राई करो, अपनी टॉप 10 परसेंटेज बढ़ाओ। मोस्टली ये ध्यान रखो, केडी मत बढ़ाओ, टॉप 10 परसेंटेज बढ़ाओ, टॉप 10 में आना ही है आप। उनको प्रायोरिटी दो, सबसे पहले जोन के जोन आया तो तुरंत निकलो जोन में, उनको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो तुम्हारा मरना तय है बिल्कुल ही, क्योंकि बंदे पहुंच जाएंगे जोन में और सारे कंपाउंड्स ले लेंगे और तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अब प्रेशर। भाई ज्यादा प्रेशर में मत लो, लोग हम मजे मजे मतलब 90 मैचों में 93 मैच में हम एस मास्टर पहुंच गए, हम हमारी स्क्वाड मतलब मजे मजे में। भाई प्रेशर में मत लो, भाई माइनस हो जाएगी, रश करेंगे तो केडी माइनस हो जाएगी। प्रेशर में खेलोगे तो गेम नहीं होगा, जैसे खेलते हो मजे से अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते खेलो, इजीली एस मास्टर पहुंच जाओगे 90 मैचों में। भाई यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके गेम प्ले में मदद करेंगे, रैंक पुश में मदद करेंगे। तो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।